एक बात जो सबसे अहम शिव की शिष्यता में देखी जाती है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वो भगवान शिव को अपना गुरु मान रहे हैं, तो ये जो एक दुनिया के अन्य परंपराओं से थोड़ा हटके है शिव की शिष्यता जो मैंने देखा अभी, तो क्या वरेण्य के ये जो साहब हरिंद्रानंद जिन्होंने शिव चर्चा की शुरुआत की और जिन्होंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का काम किया, आज वो शरीर में नहीं है, तो क्या उनके जाने के बाद इस परंपरा को चलाने वाले कोई कुर्सी है या ऐसा इस पर कोई विराजमान होंगे, कोई कहलाएंगे, ऐसा व्यवस्था है या क्या? आप साफ शब्दों में कहिए कि उत्तराधिकारी नहीं शिव, ये परंपरा जो है शरीरधारी गुरु के लिए है। जैसे शरीरधारी गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु शरीर में नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं शरीर से, गुरु और शिष्य परंपरा में मतलब जो शरीरधारी है उसमें है, ये गुरु का शरीर खत्म हो गया तो फिर वो अपने किसी शिष्य को चुनकर उसमें से अपना जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा संभालने लायक होगा उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव और शिव तो शुरू से ही शरीर में नहीं है, तो शिव के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनकी मौत हो गई है। शिव अजन्मा है, शिव स्वयंभू है, तो जब शिव की मौत हुई ही नहीं है तो परम उत्तराधिकारी की जरूरत ही नहीं है, तब होता ना। अब रही बात, आप कह सकते हैं कि वरेण्य गुरु भ्राता तो शरीर में थे जिन्होंने ये बात शुरू की, लेकिन उनकी बात में, उनके इस विचार में, उनका ये जो संदेश है इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कोई आदमी के मन में ये विचार बस बहुत सहज भाव से उसके दिमाग में प्रवेश करती है। लेकिन महादेव है, ये महादेव दिमाग से दिल में प्रवेश करते हैं और जब दिल में प्रवेश कर लेते हैं ना तो लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। आपके दिल में कोई प्रवेश कर जाए और लाख उसके बाद लाखों लोग आपके जीवन में मिले, लेकिन जो दिल में प्रवेश कर गया है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। शिव आज लोगों के मन में है, लोगों के दिल में धड़क रहे हैं। शिव के बारे में साहब ने कहा, शिव शिष्यों के बारे में, कि चलते फिरते मंदिर है, ये मंदिर में एक जगह शिव की स्थापना होती है, उनकी वहाँ पे लोग उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन शिव के शिष्य हर गली हर मोहल्ले हर घर में अपने शिव का गुणगान गाते हैं। शिव आज मंदिरों से समाज में उतर गए, सोचिए वो समाज कितना सुंदर होगा जिसमें शिव की बात होगी, क्योंकि व्यक्ति का परिवर्तन परिवार का परिवर्तन है, परिवार का समाज का और समाज का देश का, हमारे राष्ट्र के लिए भी सबसे सुंदर तो उपाय एकमात्र विकल्प यही है कि हम सब एक होने का उपाय करें, अगर तो क्या करें। क्योंकि आज अध्यात्म की बात आपने की, लेकिन अध्यात्म में भी अभी क्या अध्यात्म धर्म से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता, हर धर्म से ऊपर की बात है ये, तो अध्यात्म सारे धर्मों सारे संप्रदाय को एक करने की विधा है। जहाँ ही जहाँ ये बात होगी कि खंडित कर रहा है वो अध्यात्म है ही नहीं। आप वरेण्य के पुत्र वधु हैं, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ आपका बहुत अधिक समय बीता होगा शिव गुरु की चर्चाओं में, तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उनको लगे कि एक कोई ऐसा चमत्कार बताया जाए जो शिव की शिष्यता से जुड़ी हो। देखिए शिव की शिष्यता से जुड़ी हुई तो कितनी असंख्य यादें हैं, असंख्य घटनाएं हैं। कभी कभी मुझको लगता था कि साहब कैसे जान जाते हैं कि बाहर जो आदमी आके खड़ा हुआ है वो आके क्या बोलने वाला है। मैं उनसे पूछती थी ये बात, आपको कैसे पता है, मंडल सर यहाँ बैठे हैं, हाँ याद है सर आपको ये घटना। मैं एक दिन सुबह सुबह रांची में, साहब उस समय देवघर में रहते थे, रांची आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जान जाते हैं, तो उन्होंने पहले इस बात को टालने की कोशिश की, क्या पता उस दिन मेरे मन में क्या था। मैं बार बार उनसे ये पूछती रही कि मुझको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आखिर ये कैसे होता है। साहब ने कहा कि शिव से आपका मन जैसे जैसे सानिध्य लेगा ना, आप लोगों को देखकर समझ जाइएगा कि वो क्या सोचता है, वो क्या बोलेगा, अगले पल उसके जीवन में क्या होगा, आप सब समझ जाइएगा। क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है आपका मन, आप तरंगों को पकड़ते हैं, दूर से पकड़ लेते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक गुरु भाई जो पहले से सूचना नहीं दिए थे,
मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो साहब ने कहा देखो एक गुरु भाई अभी आएगा, अपनी बेटी के साथ आएगा और वो कहेगा कि बार बार मैट्रिक में फेल हो रही है। तो जिस गुरु भाई के लिए उन्होंने कहा, वो गुरु भाई कभी भी अपने लौकिक कष्ट को लेकर साहब के पास नहीं आया था, तो मुझको विश्वास नहीं हुआ। मुझको लगा कि वो गुरु भाई तो कभी ऐसा नहीं बोला है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, अभी सुबह की चाय हम लोग पी रहे थे, साहब को दिए थे, मंडल सर भी थे, हम भी थे, हम लोग तीनों चाय पी रहे थे, 541 एक घर था रांची में उसी में, और सामने देखते देखते कुछ ही मिनट के बाद देख रहे हैं कि वो गुरु भाई अपनी बेटी के साथ प्रवेश कर रहा है। कोई सूचना नहीं थी उसके आने की और वो प्रवेश कर रहा है। अब मेरा मन रोमांचित हो गया इस बात के लिए कि ये आज हो गया है, ये क्या बोलने वाला है अब आगे। और वो जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, मेरा मन और ज़्यादा सजग हो गया है कि अब ये क्या बोलेगा। और उसने मेरी अनुभूति ऐसी कितनी बाद में हुई, उसके बाद मेरी अनुभूति है, उस व्यक्ति ने नज़दीक आकर साहब से कहा, उस समय साहब सबसे मिल लिया करते थे, उतनी रोक टोक नहीं थी, तो उसने आके कहा शब्द बाय शब्द वही कहा जो अभी अभी साहब ने मुझको कहा था। मतलब वो शरीर में रहते हुए जो ऊर्जा थे या हैं आज भी, उनको दुनिया के लोग शायद समझ पाए या नहीं, पता नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब एक ऐसी ऊर्जा शिव के जो धरती पे उतरे, शिव से मिलाने के लिए लोगों को चलाए। आपने अभी कहा कि करोड़ों लोग हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए तो क्या एक सामान्य आदमी के बात पे करोड़ों लोग एक हो सकते हैं? यानी उस व्यक्ति के विचार में इतनी ताकत है कि उसने सब संकीर्णताओं को तोड़ के सबको एक कर दिया है, और करते ही जा रहे हैं, पल प्रति पल प्रतिदिन लाखों शिव से नए घोषणा होती जा रही है, लोग शिव से बनते जा रहे हैं। एक न एक दिन तो ये टूटना था, संकीर्णताएं इतनी करती जा रही थी कि एक दिन तो फिर से सब कुछ मुक्त होना था, और हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे अन्य गुरुओं की परंपराओं में उनको समझने के लिए किसी प्रकार की पुस्तकें दी जाती है, क्या शिव की शिष्यता में वैसी कोई पुस्तक है कि ताकि लोग उनको पढ़ करके भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में जान सके? हाँ जी है, 1990 के दशक में साहब हरिंदानंद जी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, शिष्यानुभूति उसका नाम है, शिष्यानुभूति यानी एक शिष्य की अनुभूति। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर किताब या किसी भी ऐसी वस्तु पे जो बनती है, सृजित होती है, जगत में बनती है ना, उसमें पैसे लगते हैं, तो उसका मूल्य लिखा होता है उसके पीछे। शिष्यानुभूति एक ऐसी पुस्तक है जिसको शिवशिष्य हरिंदानंद जी ने अपने गुरु को समर्पित करके लिखा, और उसका मूल्य उन्होंने लिखा जो आज तक अभी तक दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, मुझको ऐसी किताब नहीं मिली जिसके पीछे मूल्य के जगह पे पैसा नहीं लिखा हो, मूल्य लिखा है आपका शिष्य होना। जबकि किताब छपने में तो पैसा लगता है, लेकिन मूल्य उसका उन्होंने कहा भविष्य में भी कभी नहीं लिया जाएगा, इसका मूल्य हमेशा यही रहेगा, आपका शिष्य होना ही इसका मूल्य है। और उसके बाद और किताबें उनके द्वारा जो लिखी गई, आओ चले शिव की ओर, वो पूरी तरह मानव जाति को इंगित करती है कि आपकी मंजिल भगवान शिव स्वयं है, रास्ता है सबके लिए खुला हुआ, सारे दुनिया के लोग, सारे जगत के लोग उस रास्ते पे चल सकते हैं और सीधे शिव तक जा सकते हैं। आप सोचिए ना कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई पुराण नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि कल भजन में हम लोग सहरसा में यही सुन रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदी अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा, कोई अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन महादेव की बात जब करने लगते हैं तो ये ज्ञान उतरता कहाँ से है? अगर महादेव है नहीं तो ये उसके शब्द उसके हृदय से निकल के मुंह से जो निकलते हैं, हम निकलते कैसे हैं? उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी अक्षय स्रोत से जब आप जुड़ जाते हैं तो ज्ञान देते हैं शिव, तब न शास्त्र आरक्षित होते हैं। क्या शिव की शिष्यता हिंदुस्तान से बाहर भी कई देशों में चलती है? हाँ बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में तो सभी राज्यों में, और बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है विदेशों में। नेपाल देश तो खैर
शिव के लिए समर्पित देश भी है और नेपाल देश के लगभग सभी जगहों पे शिव शिष्यता व्यापक हो रही है, होती जा रही है। अगर कोई भगवान शिव को अपना गुरु मानकर, जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आजमा सकते हैं, अब तक गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली है, लेकिन शिव की शिष्यता में शिष्य गुरु की परीक्षा लेते हैं, तो अगर कोई शिव को अपना गुरु मानकर उसकी परीक्षा लेना चाहे तो क्या इसके लिए कोई विधान या मंत्र है? देखिए, ये तीनों सूत्र जो साहब ने दिए हैं, जब साहब हरिनंदन जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उनके जीवन में कोई सूत्र देने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को तीन सूत्रों में पिरोया। उन्होंने कहा शिव की शिष्यता और शिव की पूजा में इतना ही अंतर है और ये अंतर भारी अंतर है। शिव की पूजा, कोई शास्त्र भी यही कहते हैं, कोई साधु यही कहेगा आपको, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो, विश्वास रखो। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा शिव की शिष्यता में आप सिर्फ विचारों में खड़े तो रहिए, अविश्वास में खड़े रहिए, अश्रद्धा में, संशय में खड़े रहिए, सिर्फ खड़े रह जाइएगा, शिव ज्ञान उतार देते हैं। तो तीन सूत्र के माध्यम से लोग उस गुरु को आजमा सकते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को ये तीन सूत्र करना है। विश्वास नहीं है, आप करके तो देखिए, मतलब आप विश्वास मत करिए। आप कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि आप विश्वास करिए। बिना विश्वास के भी तो बहुत काम हम करते हैं, बहुत काम अपने जीवन में करते हैं, बिना प्रेम के, बिना भाव के करते हैं, लेकिन परिणाम उसका भी वही होता है। बिना प्रेम के हम भोजन बनाएंगे, भोजन बनेगा कि नहीं, और कभी भोजन प्रेम से भी बनाते हैं। बिना प्रेम के हम किसी के लिए कोई व्यवस्था कर दें, कोई सेवा कर दें, तब भी हम पानी भर रहे हैं किसी के लिए, नहाना है उसको, प्रेम नहीं है हमको उससे, लेकिन चापाकल चलाएंगे तो पानी भरेगा कि नहीं। परिणाम शिव की शिष्यता में दोनों स्थिति में, इसीलिए ये एक ऐसा मार्ग है जो मतलब अनुपम है, अप्रतिम है। अप्रतिम का अर्थ होता है एक ऐसी प्रतिमा जैसी दूसरी कोई प्रतिमा बन ही नहीं सकी, उसके बाद बन ही नहीं सकेगी। अप्रतिम शिव की शिष्यता यानी एक ऐसी प्रतिमा जिसमें दोनों तरह से जाइए तो परिणाम लेकिन उतने ही सुंदर है, चाहे अविश्वास में जाइए, चाहे विश्वास में, चाहे अश्रद्धा में, चाहे श्रद्धा में, चाहे समर्पण में या संशय में, दोनों तरह से परिणाम एक ही होगा। गुलाब के फूल को तोड़ दीजिए, खुशबू देगा। गुलाब के फूल को पौधे पे छोड़ दीजिए, खुशबू देगा। मसल के रौंद दीजिए, खुशबू देगा। शिव की शिष्यता भी ऐसी है।